हे गाइस, दिस इज केओ एक्सोटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की जो ये टॉपिक है ना, इस पर मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है जो आप में से काफ़ी सारे बंदे को होता है। तो देखो वो प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब कभी भी आप लोग वन मंथ के बाद गेम ओपन करते हो, या फिर कभी वन वीक के बाद, या फिर भाई एग्जाम वगैरह, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप लोग गेम ओपन नहीं कर पाते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन उसके बाद आप लोग जब गेम पे कमबैक करते हो ना, तो आप लोगों का गेम प्ले ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मीन्स आप लोगों का क्रॉसियर प्लेसमेंट, एम वगैरह हो गया, स्प्रेज वगैरह ऑन पॉइंट नहीं जाते, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट लास्ट पूरी वीक मैंने गेम ही नहीं खेला था। जब मैंने कल या परसों गेम स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरी एम थी, मेरी हिप फायर, मेरी हेडशॉट की एक्यूरेसी सारी कुछ बिगड़ गई। बट मैंने 20-30 मिनट में वापस से अपनी एम एक्यूरेसी एंड ऑल इम्प्रूव कर ली थी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी अपनी गेम प्ले को काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना, बिकॉज लाइक बटन तो फ्री है। एंड कॉमेंट करके भी जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब आप लोग काफ़ी टाइम बाद गेम खेलते हो ना, तो उस टाइम पे आप लोगों को जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है आप लोगों की कंट्रोल। आप लोगों को अपनी कंट्रोल को रीमास्टर करना होता है, बिकॉज आप लोगों की जो मसल मेमोरी बिल्ड हुई थी वो अब बिगड़ चुकी है। एंड इसी की वजह से आप लोगों की रिफ्लेक्सेस स्लो हो गई है, एंड आप लोगों की एम वगैरह चूक कर रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कंट्रोल को मास्टर करो। तो वो कैसे करोगे आप लोग, इसके लिए आप लोग डेली 4-5 TDM खेलो। एंड आप लोग TDM खेलो ना, तो इंप्रूवमेंट के लिए खेलो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो कुछ बंदे होते हैं ना, अगर ओपोनेंट ग्रोथा लेकर खेल रहा है या फिर TPP लेकर खेल रहा है, तो आप लोग भी ऐसा मत करना कि आप लोग भी टीपी पे लेकर बंदे को मारने लगे या फिर ग्रोजा लेकर मारने लगे। इनफैक्ट आप लोग ट्राई करना कि सामने वाले बंदे की टीपी पे ब्रेक करो, इससे आप लोगों की गेम प्ले में इंप्रूवमेंट आएगी एंड आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होने वाली है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से जब भी TDM खेलोगे ना, तो आप लोग TDM इंप्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस के लिए खेलना, ना कि जीतने के लिए खेलना। देन उसके बाद आप लोग देखना आप लोगों को अपनी गेम प्ले में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड गाइस, अब मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट बताता हूं। देखो जब आप लोगों ने 4-5 TDM खेल लिया, तो इससे आप लोगों की अच्छी खासी वार्म अप भी हो गई। अब आप लोग क्या ना, कोई एक अपनी अच्छे फ्रेंड के साथ जो बहुत ही अच्छा खेलता है, उसके साथ एक 1v1 मैच लगाना। एंड गाइस, जब आप लोग ये 1v1 खेलोगे ना, तब आप लोगों को पता चलने वाला कि आप लोगों की एम पहले की तरह हो रही है कि नहीं, या फिर आप लोगों की ADS की फाइट पहले की तरह है या नहीं, या फिर जिगल वगैरह पहले की तरह आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड वगैरह वगैरह। तो इससे आप लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज पे हो रही है, देन आप लोग उसके अकॉर्डिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे एंड अपनी वो वाली प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। नाउ सपोज आप लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आप लोगों को एम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग अच्छे से एम नहीं कर पा रहे, तो इसे आप लोग कैसे इंप्रूव करोगे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना। या फिर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम है, आप लोग हेडशॉट पहले की तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप लोगों के हेडशॉट ही कनेक्ट नहीं हो रहे, या फिर आप लोग जिगल के साथ प्रॉपर एम भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो अगर आप लोगों को इनमें से कुछ में प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को क्लोज एंड मिड रेंज से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, आप लोग सिंपली मेरे चैनल के होम पेज पे आना, देन आप लोग राइट साइड स्वाइप करना, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट वाली सेक्शन पे आना, आप लोग ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करना एंड यहाँ पे आप लोगों को सारी टाइप की इंप्रूवमेंट वीडियो देखने को मिल जाएगी एंड सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इसे जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पे अदर प्लेलिस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल रही, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इस पे भी मिलेगी आप लोगों को, तो आप लोग एक बार ही गो थ्रू जरूर से कर लेना। तो गाइस, अभी आप लोग सोचते होगे कि मैंने आप लोगों को क्लोज एंड मिड रेंज के बारे में तो बता दिया, बट लॉन्ग रेंज कैसे इंप्रूव करें ये तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, एंड हमारी जो कार स्प्रे वगैरह वो सारी कुछ कैसे इंप्रूव करें। तो अगर आप लोग अपनी कार स्प्रे इंप्रूव करना चाहते हो, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप लोगों को अपनी नेडिंग स्किल भी इंप्रूव करनी है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना, इसके भी लिंक आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग अपनी लॉन्ग रेंज इंप्रूव करना चाहते हो, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट इस वाली वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट होते एंड ज्यादा से ज्यादा बंदे कमेंट करेंगे, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं, एंड वीडियो को भी जरूर से शेयर करना।